ये हमने स्टार्ट कर दिया यूनिट 4 जो कि है न्यूक्लियर फिजिक्स सेकंड। आपने ऑलरेडी यूनिट 3 देख लिया न्यूक्लियर फिजिक्स फर्स्ट। अगर अभी तक नहीं देखे तो आई बटन लिंक मिल रहा है, आप कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं जो कि हमारा होगा यूनिट फोर्थ। इसका नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स सेकंड। मेनली हम बात कर रहे हैं सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसमें से सॉलिड स्टेट भी आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जल्द ही हम उसको भी कंप्लीट कराने वाले हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने यूनिट 3 कंप्लीट पढ़ चुके हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स सेकंड जो है हमारा ये है यूनिट 4, और इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। खास करके 3-4 वीडियो में आपका कंप्लीट ये यूनिट पढ़ा दी जाएगी और समझ में भी आपको आ जाएगा। बहुत सिंपल यूनिट है, कुछ भी नहीं करना। जैसे आप उसमें पढ़े थे न्यूक्लियर फोर्स के बारे में, न्यूक्लियर मॉडल के बारे में, वैसे यहाँ पर आप न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इट्स टाइप, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन हम किसे बोलेंगे और न्यूक्लियर रिएक्शन का टाइप कितने होते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इट्स टाइप। न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इट्स टाइप्स। आगे चलने से पहले आपको बता देना चाहेंगे कि अगर आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेंगे तो आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन किसे बोलेंगे। व्हाट इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन, आखिर ये न्यूक्लियर रिएक्शन है क्या। सबसे पहले आप डिफिनेशन लिखेंगे, साथ साथ हम आपको समझाते चलेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है। तो लिख लेंगे, हेडिंग डालेंगे न्यूक्लियर रिएक्शन। एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शन होता क्या है, उसके बाद हम इसके कुछ 7-8 टॉपिक है, 8 शायद इसके टाइप्स हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या कहता है, लिखेंगे ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज ए न्यूक्लियर रिएक्शन इज ए, जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है वो क्या एक्चुअली में होता है वो चीज बताया जा रहा है। इज ए प्रोसेस विच ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन कंपोजिशन एंड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। अभी हम आपको आसान शब्दों में एकदम बढ़िया से क्लियर कर देंगे। पहले आप डिफिनीशन समझिए, डिफिनीशन एक्चुअली में इसकी होती क्या है, ठीक। न्यूक्लियस ऑफ ए सब्सटेंस बाय बम्बार्डिंग मतलब प्रहार करना, बम्बारिंग कराना, ये कहला जाता है हमारा बम्बार्डिंग इट विथ सर्टेन फास्ट मूविंग पार्टिकल। आइए इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब एक्चुअली में कह क्या रहा है कि ए न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है इज ए प्रोसेस, एक प्रकार का प्रोसेस है। रिएक्शन क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस होता है, आप सब जानते हो। वैसे न्यूक्लियर रिएक्शन भी क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है। विच ब्रिंग्स अबाउट चेंज इन कंपोजिशन एंड एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, जो कि लिया जाता है किससे, चेंज इन कंपोजिशन से और एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस से। मतलब जो ये रिएक्शन है, आप रिएक्शन कराओगे या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या तो उसमें मास में चेंज आएगा, जिसे आप मास डिफेक्ट बोलोगे। भी हम रिएक्शन दिखाएंगे, ऑलरेडी आपको समझ में आएगा। पहले मास कुछ और था, आगे चल के मास चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। न्यूक्लियर फिजिक्स में आप जब पढ़ते हो तो मास चेंज होता है, कंजर्व नहीं रहता है, और एनर्जी भी हमारी या तो रिलीज होगी या तो एब्जॉर्ब होगी। कब रिलीज होगी कब एब्जॉर्ब होगी वो भी बताया जाएगा, कब रिलीज होगी कब एब्जॉर्ब होगी वो भी आपको बताया जाएगा। तो मतलब ये क्या है, एक प्रकार का प्रोसेस है, एक प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस है, जो कि लिया जाता है किसे, एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड कंपोजिशन, चेंज इन कंपोजिशन से।
आप ये सब्सटेंस किसी भी पदार्थ का बाय बम्बार्डिंग इट विथ सर्टेन फास्ट मूविंग पार्टिकल, किसी फास्ट मूविंग पार्टिकल के द्वारा बम्बारिंग करा करके, किसी भी न्यूक्लियाई पे हम बम्बारिंग कराएंगे, चाहे वो अल्फा पार्टिकल हो, चाहे बीटा पार्टिकल हो या फिर गामा पार्टिकल हो, इनका हम बम्बारिंग कराते हैं किसी भी न्यूक्लियस पर, तो उस पर इफेक्ट क्या पड़ता है। जैसे मान लीजिए हम किसी न्यूट्रॉन की बम्बारिंग करा देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, आप मान लीजिए सपोज दैट हम इलेक्ट्रॉन की क्यों नहीं कराते, प्रोटॉन क्यों नहीं कराते, न्यूट्रॉन की क्यों कराते हैं, उसके लिए भी हम आपको आगे सोल्यूशन बताएंगे। कारण क्या होता है अभी हम बता दे रहे हैं। जैसे कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज। अभी आप समझ लीजिएगा कि आगे चल के आपको, ताकि ये ना कन्फ्यूजन रहे क्यों हम न्यूट्रॉनों की बम्बारिंग कराएंगे, हम डायरेक्ट वहां पर बताएंगे कि न्यूट्रॉनों की बम्बारिंग की जाएगी। तो जो होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिव चार्ज। एग्जैक्टली, न्यूक्लियर इज ए पॉजिटिव चार्ज। जैसे मान लीजिए ये हम लेते हैं यहां पर न्यूक्लियस, इट इज ए न्यूक्लियस, और ये ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए ओवरऑल न्यूक्लियस इज ए पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई। अगर हमें इसे दो भागों में तोड़ना होगा या स्प्लिट करना होगा इसको, क्योंकि आप पढ़ोगे अभी न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन क्या होता है, फिजन क्या होता है, ऑलरेडी हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था यूनिट थर्ड में, बट इसमें आप डिटेल में पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। तो अभी आप पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन। फिजन क्या होता है, दो अलग अलग भागों में टूटता है। फ्यूजन मतलब दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो अगर हम बात करें फिजन की, इसमें फिजन अगर कब होगा, जब हम इस पर कुछ कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल की बम्बारिंग करा दें, तब ये छोटे पार्टिकल्स में टूट सकते हैं। क्या इलेक्ट्रॉन की बम्बारिंग कराने पे ये टूटेगा? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास बहुत लाइटली चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन हैव वेरी वेरी लाइटली चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास वेरी लाइटली चार्ज, बहुत 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 लाइटली चार्ज होता है। मतलब कितना चार्ज होता है, माइनस का 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, विच इज वेरी 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 लो, बहुत कम चार्ज है, 10⁻¹⁹ कूलम। अच्छा, सेम चार्ज होता है हमारा प्रोटॉन पर, प्रोटॉन पर सेम चार्ज होता है। अब ये इतना कम चार्ज है, जैसे मान लो इसको अगर हमें तोड़ना होगा तो कुछ ज्यादा चार्ज का पार्टिकल्स देना पड़ेगा, तभी तो स्प्लिट होगा, तभी तो फिजन होगा। ये बहुत ही लाइटली चार्ज है, बहुत लाइटली चार्ज है, जो कि इसको तोड़ने में सक्षम नहीं है किसी भी न्यूक्लियस को। इवन सबसे छोटा न्यूक्लियस अगर हम देख ले हाइड्रोजन का, उसका भी तोड़ने के लिए ये सक्षम नहीं है, नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये बहुत 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 लाइटली चार्ज है। बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन पर होता है 1.6, लेकिन पॉजिटिव में होता है × 10⁻¹⁹ कूलम। अब अगर इसका हम बम्बार्डिंग कराएं, सपोज दैट हम इसको दे रहे हैं प्रोटॉन, ये भी पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कार्य करेगा, जिसके कारण रिपल्सन होगा। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हमारे सिमिलर चार्ज है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके, कूलॉम ने प्रूव करके दिखा था, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल्सन करेंगे, निगेटिव निगेटिव चार्ज रिपल्सन करेंगे, एंड डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट होंगे। क्या ये इसको तोड़ पाएगा? नहीं, इसके पास तक ही नहीं जा पाएगा, यहां तक पहुंचेगा, इसके बाद घूम जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ऐसा न्यूक्लियस, इमेजिन करो, इमेजिन सामने कोई न्यूक्लियस रखा है, कोई न्यूक्लियस रखा है, आप अगर उस पर प्रोटॉन फेंक रहे हो, भाई हाथ में ले नहीं सकते, इमेजिन कर सकते हैं बस, प्रोटॉन फेंक रहे हो, वो भी पॉजिटिव चार्ज, जो आप प्रोटॉन फेंक रहे हो वो भी पॉजिटिव चार्ज, वो उसके पास तक पहुंचेगा? नहीं, वो उससे रिपल्सन होकर के वापस आ जाएगा। होगा ऐसा, जैसे आप कभी बचपन में या कभी भी आप टेस्ट किए होगे कि सामने आपका मैग्नेट रखा है, बड़ा सा मैग्नेट कभी लिए होगे, बड़ा सा मैग्नेट रखा है, और अगर वो यस पोल सामने की तरफ है, आप यस पोल का कोई छोटा मैग्नेट ले लो, जैसे एक छोटा मैग्नेट हो गया, मान लीजिए ये छोटा मैग्नेट, इसमें यस पोल, इसमें यन पोल, यस पोल को उसके सामने फेंको तो वो हट करके यन पोल की तरफ चिपक जाता है। अगर वहीं पर हम हाथ से उसकी तरफ ले जाएं तो वो रिपल्सन करता है, हटाता है, दूर हटाता है, सेम प्रोसेस ये भी करेगा। ये जब पॉजिटिव चार्ज उसके पास जाएगा तो ये क्या करेगा, रिपेल कर देगा। इसलिए प्रोटॉन भी हम नहीं दे सकते, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचा न्यूट्रॉन, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास बचा न्यूट्रॉन, 1 एंड 0।
न्यूट्रॉन। इसके अलावा कोई भी पार्टिकल हमारा नहीं बचा। इन सभी से चार्ज ज्यादा भी, इस पर कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ये निगेटिव चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं है। अब ये तोड़ सकता है क्योंकि ये ना तो रिपल्शन शो करेगा ना तो अट्रैक्शन शो करेगा। ये जितनी फास्ट मूविंग पार्टिकल होगा वो उस पर जाकर टकरा के इसका फिजन करवा सकता है, इसलिए हम यूज करते हैं न्यूट्रॉन की। उम्मीद करते हैं आपको ये की पॉइंट जरूर समझ में आया होगा, पॉइंट समझ में आया। एक बार अगर नोट करना चाहें तो ये कहीं और नोट कर लीजिएगा, या फिर समझने की चीजें हैं आप समझ सकते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर रिएक्शन एग्जैक्टली होता क्या। न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर मॉडल तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। न्यूक्लियर मॉडल में चार मॉडल थे, जो कि हमने सेल मॉडल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और लिक्विड ड्रॉप मॉडल, दो इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों पढ़ा दिए थे हमने आपको। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है वो ध्यान से सुनिएगा। द बम्बार्डिंग पार्टिकल लिखा जा रहा है, द बम्बार्डिंग पार्टिकल में भी, जैसे कि हमने आपको बताया जो बम्बार्डिंग पार्टिकल होंगे, जिससे कहा गया कि मूविंग फास्ट पार्टिकल तो दिया जा सकता है, ऐसे कैसे कौन कौन से पार्टिकल होंगे जो कि हमारा फिजन कराने के काम में आएंगे, तो वो बम्बार्डिंग पार्टिकल कौन कौन सा हो सकता है। अल्फा पार्टिकल, बीटा, गामा, ये सब हमने आपको बताया था, तो ये हो सकते हैं। अल्फा पार्टिकल हो सकता है या अल्फा रे आप बोल सकते हो। भाई पार्टिकल और रे, देखो कन्फ्यूजन यहीं पर होता है, और कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है देखा जाए तो। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े, और सब लोग क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ के आए, हमने खुद भी पढ़ाया है क्वांटम मैकेनिक्स, हालांकि क्वांटम मैकेनिक्स इतना छोटा नहीं कि आपको एक ही सत्र के अंदर एक ही मतलब बीएससी कर रहे हो तो उसमें पढ़ा दिया जाए। क्वांटम मैकेनिक्स बहुत बड़ा है, और जितना पढ़ोगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है इसमें, तो इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स समझना सबके बस की बात नहीं है, मेन चीज़ ये है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इम्पॉसिबल भी नहीं, अब सिंपल लगता है, बहुत सिंपल लगता है अगर आप समझ जा रहे हो तो। मे बी अल्फा पार्टिकल को या रे को, अब इसके बारे में डिटेलिंग नहीं कहेंगे। इवरी पॉइंट, इवरी सब्सटेंस आप बोल सकते हो, इज बोथ, दोनों है हमारे पार्टिकल फॉर्म ऑलवेज रे फॉर्म, या आप बोल सकते हो वेव फॉर्म, मतलब जितने भी सब्सटेंस हैं पार्टिकल फॉर्म में भी रहते हैं और हमारे वेव फॉर्म में भी रहते हैं। अल्फा हो सकता है, बीटा पार्टिकल हो सकता है, बीटा रे हो सकता है, आर गामा रे या गामा रे, मतलब अल्फा बीटा गामा ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं वो जो हम बम्बार्डिंग पार्टिकल कराएंगे, मतलब कौन कौन से पार्टिकल हम बम्बार्डिंग करा सकते हैं, अल्फा बीटा गामा, ऑब्टेंड फ्रॉम नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, मतलब ये कहा जा रहा है जो बम्बार्डिंग पार्टिकल लेंगे आप नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा बीटा गामा रे ले सकते हैं, अथवा और क्या ले सकते हो आप, अथवा और मे बी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब ये कहा गया कि जो आप किसी भी न्यूक्लियस को फिजन कराने के लिए, न्यूक्लियर का फिजन होना या फ्यूजन होना वही न्यूक्लियर रिएक्शन कहलाता है। एग्जैक्टली समझो, फ्यूजन होगा, फिजन होगा, क्या अंतर होगा आगे हम पढ़ेंगे, उसके लिए अभी आप छोड़िए। मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन कहते किसे, एक प्रकार का प्रोसेस है जो कि हमारा चेंज इन कंपोजिशन और इनर्जी ऑफ न्यूक्लियस से लिया जाता है, आप ही सब्सटेंस किसी भी सब्सटेंस के, और ये कब मिलता है जब किसी भी न्यूक्लियस में हम पार्टिकल्स की बम्बारिंग कराते हैं, जो कि फास्ट मूविंग पार्टिकल होना चाहिए। और पार्टिकल कैसा होना चाहिए, अल्फा बीटा गामा हो सकता है, या फिर बोला गया मे बी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी ले सकते हो। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा यूज कौन होगा, न्यूट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होगा, आपको हमने ऑलरेडी बता दिया है। बातें समझ में आई, क्लियर हुआ, आगे पॉइंट लिखेंगे।
लॉर्ड रदरफोर्ड लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1919 में रदरफोर्ड ने कैरीड आउट द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन मतलब समझ पा रहे हो, लॉर्ड रदरफोर्ड ने 1919 में फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन खोजा था, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन इन लेबोरेटरी सॉरी स्पेलिंग मिस्टेकिंग ठीक मतलब ये कहा जा रहा है कि 1919 में जो फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन था वो किसके द्वारा खोजा गया था, लॉर्ड रदरफोर्ड के द्वारा। और रदरफोर्ड का मॉडल भी आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आप सभी को आता है। और उन्होंने जो न्यूक्लियर रिएक्शन खोजा था 1919 में रदरफोर्ड ने जो न्यूक्लियर रिएक्शन खोजा था वो क्या था वो बताया जा रहा है। कहा जा रहा है ही बम्बार्डेड, उन्होंने किया क्या था, ही बम्बार्डेड, उन्होंने बम्बारी कराई थी किसकी, अल्फा पार्टिकल की। जैसे कि हमने आपको बताया कि बम्बारिंग पार्टिकल कौन कौन से ले सकते हो, अल्फा बीटा गामा एज वेल एज आप क्या ले सकते हो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बारी कराई थी आने नाइट्रोजन न्यूक्लियस एंड सो दैट प्रोटॉन आर प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर रिएक्शन। बातें समझ में आई, मतलब कहा जा रहा है कि लॉर्ड रदरफोर्ड ने अपने लाइब्रेरी में 1919 में एक फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन को खोजा था, सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन को खोजा था। और वो न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे खोजा था, ही बम्बार्डेड अल्फा पार्टिकल, उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बारी कराई थी ऑन नाइट्रोजन न्यूक्लियस पर, और उन्हें मिला क्या था, प्रोटॉन। मतलब जब उन्होंने नाइट्रोजन न्यूक्लियस पर किसी भी अल्फा पार्टिकल की बम्बारी कराई तो उन्हें एक प्रोटॉन मिला, वेरी इंटरेस्टिंग, उन्हें एक प्रोटॉन मिला। और न्यूक्लियर रिएक्शन थी क्या, जैसे नाइट्रोजन एटम था 714, इस पर किसकी बम्बारी कराई इन्होंने, अल्फा पार्टिकल की। अल्फा पार्टिकल आप किसे बोलते हो, हीलियम 24, यही हमारा अल्फा पार्टिकल, याद रखिएगा हमेशा अल्फा पार्टिकल इसी को बोलते हैं। नाइट्रोजन था जिस पर हमने हीलियम की बम्बारी कराई, इन्होंने 1919 में हीलियम की बम्बारी कराई। और फाइनली जो हमारा मिला क्या, वो मिला था हमारा प्रोटॉन मिला था, क्या मिला था, प्रोटॉन मिलेगा क्या, 729 एक जब प्रोटॉन निकल गया, अब कितना बचा, 8 कौन सा होता है, ऑक्सीजन का, ऊपर 14+4 कितना होता है, 18, 1 चला गया, इधर बचा हमारा ये, इसे कोई बहुत विशेष मतलब नहीं है, आप कभी कभी बैलेंस करने के लिए यहां पर 8O17 लिख सकते हो, जो कि आप दिखाते हो जनरली, जाते हो 8O15 16 17 दिखाते हो, आप सभी जानते हो तो वो लिख सकते हो। लेकिन इन्होंने एग्जैक्टली पाया क्या था, उस समय की जो रिएक्शन थी वो हम देखते हैं। इन्होंने क्या किया था, नाइट्रोजन पर हीलियम पार्टिकल या फिर जिसे आप बोलोगे अल्फा पार्टिकल की बम्बारी कराई थी, और इन्होंने मिला था एक प्रोटॉन, ये इसे क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। वन या चयन को क्या बोलते हैं, प्रोटॉन, इन्हें एक प्रोटॉन मिला था ठीक। अब इसे अगर हम लिखे एक जनरल फॉर्म में, इस रिएक्शन को अगर हम एक जनरल फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एक्स
इज वाई प्लस बी, वाई प्लस बी, वाई प्लस बी, ए प्लस एक्स इज वाई प्लस बी। इसका मतलब क्या है, यहां पर ए क्या होगा, ए क्या होगा, हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, जो कि जैसे कि यहां पर अल्फा पार्टिकल किसका कार्य कर रहा है, स्मॉल ए का, किसका कार्य कर रहा है, स्मॉल ए का। ये क्या है हमारा टारगेट न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, यक्स। मतलब अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई जा रही है टारगेट न्यूक्लियस न्यूट्रॉन पर, सॉरी नाइट्रोजन पर। फिर वाई क्या हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस, जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस यहां पर ऑक्सीजन मिल रहा है। और बी क्या हमारा, बी, बी को हम बोलते हैं आउटगोइंग पार्टिकल, आउटगोइंग पार्टिकल हमारा प्रोटॉन मिला है। तो यहां पर लिखेंगे वेयर, वेयर स्मॉल ए इज, स्मॉल ए क्या हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, लिख लेंगे प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, यक्स क्या है टारगेट न्यूक्लियस, जिस पर, जिस न्यूक्लियस पे टारगेट किया जा रहा है, जिस न्यूक्लियस पर टारगेट किया जा रहा है, अर्थात जिस न्यूक्लियस पे हम बमबारी करा रहे हैं वो न्यूक्लियस है टारगेट न्यूक्लियस। और कैपिटल वाई क्या है, कैपिटल वाई प्रोडक्ट न्यूक्लियस है हमारा, प्रोडक्ट न्यूक्लियस। स्मॉल बी क्या है, स्मॉल बी आप क्या बोलोगे स्मॉल बी को, आउटगोइंग पार्टिकल, मतलब जब हम किसी पार्टिकल की बमबारी कराएंगे तो कुछ अलग से पार्टिकल तो रिलीज होगा ना, आउटगोइंग पार्टिकल होगा। आउटगोइंग पार्टिकल, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर किसी भी हम टारगेट न्यूक्लियस पर, टारगेट न्यूक्लियस क्यों बोला गया, क्योंकि किसी की बमबारी करा रहे हो टारगेट न्यूक्लियस ही तो बोलोगे टारगेट। आप किसी की तरफ पत्थर फेंक रहे हो तो किसी को टारगेट करके फेंक रहे हो ना, तभी तो वहीं पर जाकर लगेगा। मान लो सामने रखे किसी, किसी भी मान लो सपोज दैट एक सब्सटेंस है, उस पर हमें वो पत्थर लगाना है तो क्या करेंगे, उसको टारगेट करके मारेंगे, तभी तो उस पर फिजन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, उस न्यूक्लियस को टारगेट बना रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोला जाता है टारगेट न्यूक्लियस। टारगेट न्यूक्लियस पे हम किसी भी पार्टिकल की बमबारी कराते हैं, तो यहां पर जिसकी बमबारी कराते हैं वो हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होगा, और जिस पर कराते हैं वो न्यूक्लियस हमारा टारगेट न्यूक्लियस होगा। फाइनली जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसे हम बोल देंगे प्रोडक्ट न्यूक्लियस, एंड जो हमारा पार्टिकल अलग से रिलीज होगा उसे हम बोलते हैं क्या, आउटगोइंग पार्टिकल। उम्मीद करते हैं यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो ये रहा हमारा जनरल फॉर्म, क्या हुआ जनरल फॉर्म। अगर इसी रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो इन शॉर्ट फॉर्म, इन शॉर्ट फॉर्म, अगर इसी रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो, ये तो हमारा जनरल फॉर्म हुआ एग्जैक्टली। शॉर्ट फॉर्म में लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आप लिखते हैं इसको कुछ इस प्रकार से, यक्स ए कामा बी वाई, इसका ये मतलब हुआ, यक्स ए कामा बी वाई, इसका एग्जैक्टली मतलब समझो, टारगेट न्यूक्लियस प्रोडक्ट न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस को लेफ्ट साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट न्यूक्लियस राइट साइड। और जो हमारा एग्जैक्टली बच रहा है, ये जो हमारा पार्टिकल है टारगेट पार्टिकल, या फिर आप बोलोगे क्या प्रोजेक्टाइल पार्टिकल को पहले लिखेंगे, जो हमारा फाइनल पार्टिकल मिल रहा है उसको बाद में लिखेंगे। मतलब सिंपल तरीका है शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, सबसे पहले आप लिखोगे कैपिटल एक्स जिसे आप बोलते हो टारगेट न्यूक्लियस, आफ्टर इट जो हमारा मिल रहा है वो हमारा प्रोडक्ट न्यूक्लियस मिल रहा है। पहले हमारा ये जो पार्टिकल बम्बारिंग कराई जा रही है वो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, बाद में जो पार्टिकल मिल रहा है वो किसका पार्टिकल, हमारा जो हमारा आउटगोइंग पार्टिकल मिल रहा है। उम्मीद करते हैं ये सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, समझ में आ गए हो तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, या फिर फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है, समझ में बात आई, चलिए अगले दिन डालेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब हम न्यूक्लियर रिएक्शन की टाइप्स के बारे में देखेंगे, बारी बारी से सबके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कितने टाइप्स के हैं ये, फिर डालेंगे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन।
न्यूक्लियर रिएक्शन कितने प्रकार का होता है? तो देयर आर 8 टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। जो न्यूक्लियर रिएक्शन है वो 8 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं इलास्टिक स्कैटरिंग। बातें समझ में आ रही हैं? जो सेकंड होगा हमारा वो क्या होगा? इन इलास्टिक स्कैटरिंग। थर्ड को बोलते हैं हम न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। फोर्थ पॉइंट होता है हमारा फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। फिफ्थ जो होगा, हालांकि इन सभी के बारे में हम इसी लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। फिफ्थ जो होता है हमारा वो होता है रेडियो एक्टिव कैप्चर। सिक्स जो पॉइंट होगा वो हमारा होगा डायरेक्ट रिएक्शन। अब डायरेक्ट रिएक्शन जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन, दूसरा हमारा स्ट्रिपिंग डायरेक्ट रिएक्शन। एक हमारा होता है पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन, ठीक, पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन। दूसरा होता हमारा स्ट्रिपिंग डायरेक्ट रिएक्शन। बातें समझ में आ रही हैं? एक तो हमारा पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन, दूसरा हमारा स्ट्रिपिंग डायरेक्ट रिएक्शन, कंफर्म। चलिए, इसके बाद हमारा जो सेवंथ पॉइंट आता है, मतलब सातवां प्रकार जो होगा वो हमारा होगा हैवी आयन रिएक्शन। एंड जो एट्थ एंड लास्ट जो हमारा टाइप्स होता है वो हमारा होता है स्पलेशन रिएक्शन। नोट कर लीजिए फटाफट से, नोट करिए, इतना लिखिए। उसके बाद अब हम चलते हैं सबसे पहला पॉइंट जो कि होगा हमारा इलास्टिक स्कैटरिंग। इतना नोट करिए, उसके बाद हम सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग। नोट डाउन करिए फटाफट से, आगे चलते हैं हम लोग। तो हेडिंग लगा लेंगे इलास्टिक स्कैटरिंग। एक्चुअली में होता क्या है? ये क्या होता है कि आप किसी भी अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराते हो लेकिन उसमें न्यूक्लियस में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इलास्टिक स्कैटरिंग में लिखिए तब समझ में आएगा। इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है स्ट्राइक्स द टारगेट। स्ट्राइक मतलब हिट करना, स्ट्राइक करना, उस पर टकराना एक प्रकार से, या हिट करना बोलना अच्छा रहेगा। स्ट्राइक द न्यूक्लियस एंड लीव विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। बट लेकिन इन जनरल विथ चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, मतलब समझो। पहले कहा जा रहा है कि इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है वो स्ट्राइक करता है न्यूक्लियस को स्ट्राइक करता है या टारगेट को स्ट्राइक करता है। बात समझ में आ रही है? मतलब
इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है वो टारगेट को स्ट्राइक करता है या न्यूक्लियस को स्ट्राइक करता है। न्यूक्लियस को स्ट्राइक करना मतलब वो जो टारगेट न्यूक्लियस है उस पर हम पार्टिकल की बम्बारिंग करा रहे हैं। एग्जैक्टली मतलब वही है। एंड लिव विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। और यदि वो पार्टिकल उस न्यूक्लियस या उस टारगेट पे पड़ने के बाद बिना एनर्जी को लॉस किए वही सेम टू सेम प्रोजेक्ट दे दिया जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ जनरल विद चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन, उसकी गति का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, वो हमारा इलास्टिक स्कैटरिंग कहलाता है। नोट डाउन करिए, वो हमारा इलास्टिक स्कैटरिंग कहलाता है। एग्जैक्टली समझिएगा, इलास्टिक स्कैटरिंग कहते किसे हैं। अगर कोई भी हमारा टारगेट है उस पे हम किसी भी पार्टिकल की बमबारी करा रहे हैं और बिना किसी भी लॉस ऑफ एनर्जी के, एनर्जी की क्षति हुए बिना, अगर वो हमारा सेम न्यूक्लियाई मिल रहा है, सेम पार्टिकल मिल रहा है आफ्टर स्कैटरिंग या फिर आफ्टर कोलिजन, क्योंकि उसमें कोलिजन हो रहा है, तो अगर सेम टॉपिक हमारा मिल रहा है, जैसे जो भी हमारा न्यूक्लियस था वही न्यूक्लियस मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ उसके मोशन के डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाती है, ऐसा स्कैटरिंग हमारा क्या कहलाता है, इलास्टिक स्कैटरिंग कहलाता है। नोट डाउन करिए फटाफट से। दूसरा पॉइंट हेडिंग डालेंगे। हाँ, इसका अगर एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, बिल्कुल एग्जाम्पल जरूरी है। जैसे हम मान लीजिए किसी अल्फा पार्टिकल की बमबारिंग करा रहे हैं, किसकी, अल्फा पार्टिकल की, और इसमें अल्फा पार्टिकल की ही बमबारिंग कराई जाती है, ध्यान रखिएगा हमेशा अल्फा पार्टिकल ही बमबारिंग कराई जाती है। तो मान लीजिए हम गोल्ड फॉइल हैं, गोल्ड फॉइल AU79197, ये इसका एटॉमिक मास, ये इसका एटॉमिक नंबर, इस पर हम किसी अल्फा पार्टिकल की बमबारिंग करा रहे हैं, ये हमारा क्या है, गोल्ड फॉइल। गोल्ड की कोई पन्नी है पतली सी, उस पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी करा रहे हैं, ये लिया 2-4, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती, न्यूक्लियस नहीं चेंज होता, वो हमारा इलास्टिक स्कैटरिंग कहलाता है, आप सब जानते हो, हमने आपको बताया। ये हमारा क्या मिलेगा, फाइनली सेम प्रोडक्ट 79197 प्लस में 2He4। सिर्फ ये जब प्रोडक्ट ये जाकर जब पार्टिकल इस पे टकराता है तो इसका सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बस इसका मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज कर देता है बस, और कुछ नहीं करता, और कुछ नहीं होता, सेम एनर्जी रहती है, एनर्जी चेंज नहीं होती। तो ऐसी स्कैटरिंग हमारी कहलाती है इलास्टिक स्कैटरिंग। ये रही हमारी पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है हमारा, इन इलास्टिक स्कैटरिंग। इसमें क्या होता है, लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इस टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल मतलब जो पार्टिकल बमबारी जिससे कराई जाती है वही प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, जैसे यहाँ पर अल्फा पार्टिकल बमबारी कराई जा रही है, तो जो अल्फा पार्टिकल होगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा पार्टिकल हमारा एग्जैक्टली क्या होगा, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। ठीक, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल प्रोजेक्टाइल पार्टिकल डजंट रिमेन कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट नहीं रहता, डजंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यहां पर क्या था कि इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल स्ट्राइक द न्यूक्लियस एंड लीव विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें जो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, जो पार्टिकल बमबारी कराई जा रही थी, जिसे हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, उसकी एनर्जी कंजर्व थी, उसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही थी, विदाउट लॉस ऑफ एनी एनर्जी मूव कराया तो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इन इलास्टिक स्कैटरिंग बताई जा रही, इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल डज नॉट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट नहीं रहती, बदल जाती है, डजंट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इंप्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट ए पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, अ पार्ट ऑफ
अ पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल is taken by the target nucleus. मतलब जितनी एनर्जी लेकर वो बमबारी कराई जा रही है, जैसे कोई अल्फा पार्टिकल है, जितनी एनर्जी देकर हम उसको टारगेट पर उस पर स्ट्राइक करवा रहे हैं, तो उतनी एनर्जी सेम एनर्जी बाहर चल के नहीं मिलती उसको। क्यों? क्योंकि जिस पर वो टारगेट पर किया तो उसकी कुछ एनर्जी वहां पर रिलीज हुई कि नहीं हुई, उसकी एनर्जी किसको मिल गई? उस टारगेट न्यूक्लियस को मिल गई। वही चीज बताई जा रही है, ए पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज टेकन बाय द टारगेट न्यूक्लियस। टारगेट न्यूक्लियस के द्वारा ले ली जाती है वो एनर्जी, जिससे कि वो फिजन हो सके। आगे देखिएगा, अभी हम बता रहे हैं, टारगेट न्यूक्लियस विच एज रिजल्ट इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट। मतलब ये कहा जा रहा है, जब आप किसी भी पार्टिकल की, प्रोजेक्टाइल पार्टिकल की बमबारी कराएंगे किसी भी टारगेट न्यूक्लियस पर, तो इसमें तो चेंज नहीं हो रहा था, इसमें रिमेंस कांस्टेंट नहीं रह जाएगा, इसमें जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि कुछ जो एनर्जी होगी वो टारगेट न्यूक्लियस के द्वारा ले ली जाएगी, जिसके कारण वो हमारा ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पर चला जाएगा, जिसे हम बोलते हैं क्या, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। ठीक, देन द एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस लिखा जा रहा है, देन द एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस, जो एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस होगा, कम्स टू ग्राउंड स्टेट by radiating energy in the form of gamma ray। मतलब समझ पा रहे हो ना, मतलब क्लियर समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे? इसका मतलब क्या है? इन इलास्टिक स्कैटरिंग में आप किसी भी, मान लो ये सपोज करो एक न्यूक्लियस है, आप किसी भी पार्टिकल की बमबारी करा रहे हो उसमें, सपोज दैट वो अल्फा पार्टिकल ही है, तो अल्फा पार्टिकल जब जाएगा, जब उस पर टकराएगा, ये सिर्फ इलास्टिक स्कैटरिंग में ऐसा होता है, उसकी एनर्जी कंजर्व रहती, चेंज नहीं होती, लेकिन इन इलास्टिक स्कैटरिंग में वो कुछ एनर्जी रिलीज कर देगा। भाई टकराएगा तो वो एनर्जी दे देगा किसको? क्योंकि जिससे भाई अगर कोई पार्टिकल आके इसे टकरा रहा है तो उसकी एनर्जी घट नहीं रही है पार्टिकल की, बिल्कुल घटेगी, और जो एनर्जी घट रही है, मतलब जो एनर्जी उससे रिलीज हो रही है मतलब घट रही है, वो किसके द्वारा ले ली जाएगी? जिस पार्टिकल से वो टकरा रहा है, जिस न्यूक्लियस से वो टकरा रहा है। कोई पार्टिकल आया, जिस न्यूक्लियस से टकराया, इसकी एनर्जी तो कम हो गई, लेकिन इसको एनर्जी मिली, जब इसके पास एनर्जी मिली, अभी ये ग्राउंड स्टेट में है, तो ये जाएगा हमारा एक्साइटेड स्टेट में। अब एक्साइटेड स्टेट जाने के बाद, क्योंकि कोई भी न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में हमेशा के लिए नहीं रह सकता, एक बहुत विद इन वेरी वेरी लो टाइम होता है हमारा, जिसमें वो फिर से हमारा किस में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन होता है एक्साइटेड स्टेट में, कितने सेकंड तक जाता है, 10^-8 सेकंड के लिए फिर से आ जाता है ग्राउंड स्टेट में, तो वैसे ही वो बहुत सूक्ष्म समय के लिए एक्साइटेड स्टेट में जाता है, लेकिन जब फिर से ग्राउंड स्टेट में आता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी मिली थी, वो एक्साइटेड स्टेट में गया था, फिर से जब वो ग्राउंड स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी को रिलीज करके ही तो आएगा ना। फिर से समझो, मैं यहां पर खड़ा हूं, ठीक,
कोई बालक है जो आया दौड़ते हुए, मान लो कोई बालक है जिसका नाम ए है, वो आया दौड़ते हुए मुझसे टकराया, मुझसे टकराने के बाद उसके काइनेटिक एनर्जी कम हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल कम हुई। वो जितनी तेजी से मूव कर रहा था, अब भी मूव करेगा? नहीं करेगा, उसकी एनर्जी कम हुई। तो अब वो टकरा गया मुझसे, उसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। अब वो जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास मिली थी, मैं अभी ग्राउंड स्टेट में हूँ, मुझसे टकराया तो मैं अब एक्साइटेड स्टेट में चला जाऊँगा क्योंकि मेरे पास एनर्जी आ गई। और सभी न्यूक्लियस होते हैं, चाहे जितने भी एटम्स हों, न्यूक्लियस हों, इलेक्ट्रॉन हों, प्रोटॉन हों, अधिक समय के लिए एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकते। एक्साइटेड स्टेट में जब वो जाएंगे तो बहुत ही सूक्ष्म समय में फिर से ग्राउंड स्टेट में आएंगे, क्योंकि उसके पास एनर्जी मिली थी तो इसलिए एक्साइटेड स्टेट में गए थे। लेकिन ग्राउंड स्टेट में कब आएंगे? जब वो एनर्जी रिलीज करेंगे, तो वो जो एनर्जी रिलीज करेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ गामा रे, वो गामा रे के फॉर्म में एनर्जी को रिलीज कर देंगे। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए भी आप रिएक्शन तुरंत लिख लीजिएगा। इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप यहाँ पर लिख लेंगे। अब मान लीजिए हम लिथियम लेते हैं, क्या लेते हैं? लिथियम 37। इस पर हम किसी प्रोटॉन की बमबारी कराते हैं, किसकी? प्रोटॉन की, 1H1, ये देखिएगा 1H1, किसी प्रोटॉन की बमबारी कराते हैं। अब ऐसा मत समझिएगा प्रोटॉन की बमबारी नहीं कराएंगे, सर शुरुआत में बता दिए थे, रेयर केस में ऐसा होता है जी, रेयर केस में। ज़्यादातर आप जो बड़े बड़े न्यूक्लियस देखोगे ना, उसको तोड़ने के लिए आप नाइट्रोजन का यूज़ करते हो, न्यूट्रॉन का यूज़ करते हो, नाइट्रोजन नहीं, न्यूट्रॉन का। ये छोटा न्यूक्लिया ही है हमारा लिथियम। जितने बड़े न्यूक्लिया होंगे ना, उनको तोड़ने के लिए आप न्यूट्रॉन का ही यूज़ करोगे। अभी हम आगे बताएंगे, जैसे यूरेनियम हो गया ना, सब न्यूट्रॉन के द्वारा तोड़े जाएंगे। तो लिथियम हो गया, आप प्रोटॉन की बमबारी कराते हो तो क्या जाएगा? ये हम बताए क्या गया कि जब कोई भी पार्टिकल किसी भी न्यूक्लियस से टकराता है तो वो न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी छोड़ देता है उसके लिए। तो ये क्या करेगा, लिथियम को एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा मतलब LI स्टार मतलब एक्साइटेड स्टेट, हमेशा याद रखना। किसी भी एटम पर, किसी भी न्यूक्लियस पर स्टार लग जाए तो मतलब वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो LI से LI स्टार पे चला गया, और जो बचा हुआ था हमारा प्रोटॉन वो निकल गया, जो कि कम एनर्जी का है। अगर एनर्जी कंपेयर करें तो इसकी एनर्जी ज्यादा, इसकी एनर्जी कम। समझ में बात आई? अब फिर ये एक्साइटेड स्टेट में से फिर से ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो यहां पर दूसरी रिएक्शन लिखेंगे। एक्साइटेड स्टेट में से ये ग्राउंड में आ रहा है तो किस में आ रहा है? LI, मतलब LI स्टार से LI में टूट रहा है, और जो एनर्जी को रिलीज कर रहा है वो किसके फॉर्म में? गामा रे के फॉर्म में यूज कर रहा है गामा रे, और एनर्जी जो होती है वो HNU के बराबर, इक्वल टू HNU। उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कंप्लीट। अगर जैसे यहां पर उस तरह शुरुआत में अगर इसको हम जनरल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहे तो जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे? ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स ही मिला था, एक्स प्लस ए। जनरल फॉर्म में है ये, इसका जनरल फॉर्म है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? इसका शॉर्ट फॉर्म होगा हमारा एक्स ए ए एक्स। ऐसा क्यों? जैसे कि उसमें क्या मिला था? एक्स मिला था, फाइनल प्रोडक्ट हमारा दूसरा मिला था वाई मिला था, ठीक, फाइनल प्रोडक्ट हमारा वाई मिला था। इसमें क्या मिला था? एक हमारा जो बम्बार्डिंग पार्टिकल था, या फिर आप बोल सकते हो वो हमारा प्रोजेक्टाइल पार्टिकल था, वो चेंज था, और फाइनल का जो हमारा पार्टिकल मिला था वो चेंज था। ए बी से हम डिनोट किया था, इसके लिए ऐसा होगा। सो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट से। बात आती है तीसरी की, जो कि हमारा न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन है। तीसरा पॉइंट, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन। इसमें क्या कहा जा रहा है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में, ध्यान सुनेंगे। इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, ऑन स्ट्राइकिंग द टारगेट न्यूक्लियस द प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज एब्जॉर्ब एंड डिफरेंट आउटगोइंग पार्टिकल इज इंजेक्टेड। इसमें क्या कहता है, अगर कोई भी पार्टिकल इस पर बम्बारिंग कराई जा रही है तो डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियस भी मिलते हैं, और डिफरेंट टाइप के भी हमारे आपके पार्टिकल्स भी मिलते हैं। जैसे इसमें आप क्या किए थे, LI पर आपने हाइड्रोजन की बमबारी कराई, LI भी ही मिला लेकिन एक्साइटेड स्टेट मिला था, लेकिन मिला तो LI ही था, हाइड्रोजन में था, इसमें चेंज हो जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा जा रहा है। इन दिस
टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन ऑन स्ट्राइकिंग द टारगेट न्यूक्लियस on striking the target nucleus the projectile particle is absorbed and different outgoing particle is injected. Outgoing particle is injected. Different outgoing particle is injected. बात समझ में आ रही है? ठीक. आगे लिखा जाए the product nucleus is different from the target nucleus is also different from the target nucleus. मतलब इसमें सिंपल तरीका से कहा गया, आप इसका इस वर्ड ध्यान मत दो, आप सिर्फ समझो फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, कोई चेंज नहीं. सेकंड वाले में एक्साइटेड स्टेट गया था, एक्साइटेड स्पेक ग्राउंड में आया तो एक एनर्जी के रूप में रिलीज किया जो कि हमारा गामा रे के रूप में रिलीज किया था. तीसरा जो न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन आया, इसमें क्या हुआ, जो भी आप इंटीग्रेटेड करोगे या फिर स्ट्राइक करवाओगे जिस पार्टिकल से, कोई भी न्यूक्लियस ले लो जिस पर आप बम्बारिंग करवा रहे हो तो वो जिस पर बम्बारिंग करवा रहे हो वो न्यूक्लियस भी हमारा फाइनल में चेंज मिलेगा टारगेट न्यूक्लियस के मुकाबले, और जो हमारा बम्बार्डिंग पार्टिकल है वो भी आउटगोइंग पार्टिकल से चेंज ही मिलेगा. आइए देखते हैं इसके कहने का मतलब क्या है. एग्जैक्टली ये हो कह रहा है हमारा, जैसे मान लीजिए आप किसी नाइट्रोजन पर हीलियम का बम्बारिंग करा रहे हैं, जैसे कि पहला भी आपने देखा था नाइट्रोजन का ये बम्बारिंग करा रहे हैं, आपने बम्बारिंग कराई, तो बम्बारिंग कराने के बाद आपको मिलेगा क्या, हीलियम जो था बम्बारिंग कराया तो ये चेंज हो जाता है हमारा प्रोटॉन में, और जो हमारा बचता है वो बचता है कितना, 7, 2, 9, एक तो हमारा निकल गया, कितना बचा, 8. 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का, 14, 4, 18, एक निकल गया 17, हमने आपको बताया था ना आप कर सकते हो वैसे ही, तो ये चीज़ हमारा मिला. अब यहाँ पर देखो क्या ये जो हमारा टारगेट न्यूक्लियस था क्या इस प्रोडक्ट न्यूक्लियस के बराबर आ रहा है, नहीं, चेंज हो रहा है ना, यही तो कहा गया ना, द प्रोडक्ट न्यूक्लियस इज आल्सो डिफरेंट फ्रॉम द टारगेट न्यूक्लियस. क्या ये जो बम्बार्डिंग पार्टिकल है, बम्बार्डिंग पार्टिकल इसे बोले चाहे आप प्रोजेक्टाइल पार्टिकल बोले, बात एक ही है, बम्बार्डिंग पार्टिकल है क्या ये आउटगोइंग पार्टिकल के ही इक्वल है, नहीं, चेंज हो जा रहा है, तो इसमें चेंज होता है, तो ये हमारा न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन कहलाया. सो नोट डाउन कर लीजिए. अब हम बात करते हैं फोर्थ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, नोट डाउन कर लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन हेडिंग डालेंगे, फोर्थ पॉइंट है हमारा फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन. फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन क्या कहता है, यहां पर देखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन टारगेट न्यूक्लियस इज
बम्बार्डेड, टारगेट न्यूक्लियस बम्बारिंग की जाती है बाय किसके द्वारा? हाई एनर्जी गामा रे। बम्बार्डेड बाय हाई एनर्जी गामा रे, बाय हाई एनर्जी गामा रे। मतलब इस टाइप का आप रिएक्शन तब मिलता है जब किसी भी न्यूक्लियस को किसी हाई एनर्जी गामा रे के द्वारा बम्बारिंग कराई जाती है। अभी तक अल्फा मिला था, प्रोटॉन मिला था, लेकिन अब जब हाई एनर्जी गामा रे के द्वारा किसी भी न्यूक्लियस पर बम्बारिंग की जाएगी तब मिलेगा फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। द आउटगोइंग पार्टिकल इन दिस रिएक्शन इस रिएक्शन में जो आउटगोइंग पार्टिकल इन दिस रिएक्शन इज आइदर प्रोटॉन, या तो प्रोटॉन होगा, आइदर प्रोटॉन जिसे हम बोलते हैं 1H1 और न्यूट्रॉन जिसे हम बोलते हैं 0N1। मतलब इस प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्शन तब प्राप्त होगा जब हाई एनर्जी गामा रे बम्बारिंग कराई जाएगी किसी भी न्यूक्लियस पर हाई एनर्जी गामा रे के द्वारा बम्बारिंग की जाएगी। और इस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होगा, ये कहा जा रहा है आउटगोइंग पार्टिकल होगा, वो मिलेगा या तो न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन, और कुछ नहीं मिलने वाला है। हीलियम अल्फा पार्टिकल नहीं मिलेगा, न्यूट्रॉन मिलेगा या फिर प्रोटॉन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, एल्युमिनियम का ही देख लीजिए। एल्युमिनियम कोई भी न्यूक्लियस हो गया 1327, इस पर हम गामा रे की क्या करते हैं, बम्बारिंग कराए जाते हैं। गामा रे हमारा कैसे, हाई एनर्जी गामा रे। तो ये मिलता क्या हमको, मैग्नीशियम 26 प्लस NH1, देख रहे हैं ना, 1H1 मिला, या तो न्यूट्रॉन मिलेगा या तो हमारा हाइड्रोजन मिलेगा जिसे आप प्रोटॉन बोलते हो, न्यूट्रॉन अथवा प्रोटॉन, और कुछ भी नहीं मिलने वाला। शॉर्ट में अगर इसको लिखना चाहे तो कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में समझने के लिए लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, एल्युमिनियम 1327 क्या जो फाइनल मिला है, मैग्नीशियम 1226, पहले क्या था हमारा गामा 1H1, बस शॉर्ट में हो गया, यही हमको लिखना था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फिफ्थ, पांचवा प्रकार, रेडियो एक्टिव कैप्चर। रेडियो एक्टिव कैप्चर रिएक्शन इसका क्या मतलब है, इसमें लिखेंगे this reaction मिलता है कब when ए लो एनर्जी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन आर न्यूट्रॉन इसका मतलब प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन है। ठीक, इस बम्बार्डेड आने बम्बार्डेड आने ऑन ए टारगेट न्यूक्लियस, उसका जस्ट उल्टा हो रहा है, इसका जस्ट उल्टा, इसमें हम गामा रे को टारगेट न्यूक्लियस पर बम्बारिंग कराए थे, हाइड्रोजन मिला था जिसे आप प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन बोलोगे, इसमें प्रोटॉन अथवा न्यूट्रॉन की बम्बारिंग की जाएगी, हमारे गामा रे मिलेगा। ठीक, इस बम्बार्डेड आने टारगेट न्यूक्लियस ठीक, एज ए रिजल्ट टारगेट न्यूक्लियस इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट। टारगेट न्यूक्लियस इज एक्साइटेड टू हायर एनर्जी स्टेट दिस एक्साइटेड न्यूक्लियस कम्स, अब जब हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा तो ग्राउंड में तो आएगा जैसे उसमें हुआ था, सेकेंड वाले में लिखेंगे दिस एक्साइटेड न्यूक्लियस
दिस एक्साइटेड न्यूक्लियस कम्स टू ग्राउंड by radiating गामा रे, जैसे हमारा सेकेंड में हुआ था इन इलास्टिक स्कैटरिंग में, गामा रे को रेडिएट करके ये हमारा आ जाएगा किसमें, जो कि हमारा होता है ग्राउंड स्टेट। मतलब इसके कहने का एग्जैक्टली मतलब क्या निकला, जब इसमें क्या था, गामा रे का हम बम्बारिंग करा रहे थे किसी भी न्यूक्लियस पर, तो वो जो न्यूक्लियस था वो चेंज तो मिल ही रहा था, साथ साथ इसमें सिर्फ दो ही चीज़ मिल रहे थे, हमारा जो फाइंडिंग पार्टिकल था, आउटगोइंग पार्टिकल था, या तो न्यूट्रॉन या तो प्रोटॉन। और इसमें क्या था, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन की बम्बारिंग कराई जाएगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, और एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद फिर से जब ग्राउंड स्टेट में आते तो उसको गामा रे क्या करना पड़ता है, एक्सेस करना पड़ता है, रिलीज करना पड़ता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लेंगे, Mg मैग्नीशियम है 1226, इसको हम हाइड्रोजन की बम्बारिंग करा देते हैं तो ये क्या बना लेगा, हमारा एल्युमिनियम क्या बना लेगा, एल्युमिनियम 13 एल्युमिनियम स्टार, वो भी एक्साइटेड स्टेट में चला गया ना, 27 देख रहे हैं बराबर है ना, 12, 1, 13, 26, 1, 27। अब एल्युमिनियम जब हमारा किस में आएगा, एल्युमिनियम हमारा आएगा ग्राउंड स्टेट में, एल्युमिनियम स्टार अब चेंज होगा हमारा ग्राउंड स्टेट में, कब कैसे होगा, एल्युमिनियम हमारा चेंज हो रहा है तो ये हमारा बच रहा है क्या, सिर्फ गामा रे को इमिट करके ये आ रहा है नीचे, गामा रे को इमिट करके। ठीक, दिस रेडियो टू कैप्चर इज इनवर्स टू द फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन, ये इसका इनवर्स है, आप देख पा रहे हो, जस्ट गामा रे की बम्बारी कराई गई थी, इसमें प्रोटॉन मिला था, इसमें प्रोटॉन की बम्बारी कराई गई, गामा रे मिला। सिक्स जो आता है हमारा छठा पॉइंट, तीन पॉइंट और बचे, 6, 7, 8 बस, छठा पॉइंट देख लेंगे। और हाँ, अगर आपको इसका PDF नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से PDF नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि अगर आज ना मिल पाए PDF नोट्स तो एक या दो दिन के अंदर आपको PDF नोट्स मिल जाएगी, क्योंकि जैसे ही हमारा पूरा PDF नोट्स तैयार हो जाता है, इवन आपको क्लियर मतलब पूरे चैप्टर की यूनिट 3rd यूनिट 4th एक में ही आपको PDF नोट्स मिल जाएगी, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर, चलिए 6 पॉइंट। और इसको रेगुलरली चेकअप करने के लिए आप फटाफट से टेलीग्राम ऐप में जाइएंगे और @ यूनियन क्लास सर्च करेंगे, कोई भी PDF नोट्स आपको मिलेगी वहीं पर मिलेगी, इसलिए फटाफट से जाकर उस ज्वाइन को जरूर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया जा रहा है, @ यूनियन क्लासेस, या फिर आप सर्च करेंगे यूनियन क्लासेस आपको मिल जाएगा, कोई भी PDF नोट्स होगी आपको वहाँ मिल जाएगी, या कोई भी हमारा जो लेक्चर लाइव होने वाला होता है एक दिन दो दिन पहले आपको वहाँ पर खबर मिल जाती है, सबसे पहले जो भी इंस्टेंट न्यूज होती है वहीं पर मिलती है, इसलिए आप जाकर वहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे, इसलिए आपको कोई भी मिस नहीं होगा एक भी लाइव लेसन। ठीक, छठा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, डायरेक्ट रिएक्शन। 6 पॉइंट क्या है, डायरेक्ट रिएक्शन। अब डायरेक्ट रिएक्शन भी दो प्रकार के होते हैं, पिकअप डायरेक्ट और स्ट्रिपिंग डायरेक्ट। ये देखिएगा, एक होता है हमारा पिकअप, दूसरा होता है हमारा क्या, स्ट्रिपिंग। पिकअप डायरेक्ट और स्ट्रिपिंग डायरेक्ट, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट डालेंगे इसमें, पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन। पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन क्या बोलता है, कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन द इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ऑन कोलाइडिंग विथ टारगेट न्यूक्लियस इमीडिएटली पुल्स वन द न्यूक्लियस आउट फॉर इट। इसका मतलब अभी हम समझा रहे हैं, कहा जा रहा है इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होगा ऑन कोलाइडिंग विथ टारगेट न्यूक्लियस ऑन टारगेट न्यूक्लियस
टारगेट न्यूक्लियस से कोलाइड करके टारगेट न्यूक्लियस इमीडिएटली पुल्स वन ऑफ द न्यूक्लियंस वन ऑफ द न्यूक्लियंस आउट फॉर इट। इसका मतलब आप जब हम पॉइंट समझाएंगे तब समझ में आएगा, मतलब एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा कोई टारगेट न्यूक्लियस था K1940, कोई टारगेट न्यूक्लियस था जो कि हमारा क्या है पोटेंशियम के। अब इस के से क्या कहे, के से क्या कह रहा है, अभी हम जब पॉइंट समझा रहे हैं अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पोटेंशियम हमारा यहाँ मिलेगा के 1939 प्लस में 1H2, इसे हम बोलते हैं ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन ये तो पोटेंशियम है, आप ऑलरेडी जान रहे हो। इसके कहने का मतलब क्या एग्जैक्टली ये समझो, कह रहा है इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन द इंसिडेंट पार्टिकल, जो इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होगा, मतलब यहाँ पर प्रोटॉन है, इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ऑन कोलाइडिंग विद टारगेट न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस से जब कोलाइड करता है इमीडिएटली पुल्स वन ऑफ द न्यूक्लियंस आउट फॉर इट, उससे एक न्यूक्लियंस निकाल देता है। इसके पास कितने थे, 40, एक न्यूक्लियंस निकाल दिया, 39 बच गए और उधर हमारा निकल गया। मतलब सिंपल तरीका पुल अप डायरेक्ट रिएक्शन, सॉरी पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन में क्या होगा, सिंपल तरीका है जब किसी भी न्यूक्लियस में टारगेट न्यूक्लियस में कोई भी प्रोजेक्टाइल इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल आके टकराता है तो उसके एक न्यूक्लियन को निकाल देते हैं। बस इसके पास 40 थे एटॉमिक मास, इसके एक न्यूक्लियन को निकाल दिया जो कि हमारा 39 बच गया, चाहे जिसमें भी आप कराएंगे एक निकाल देगा। आप 20 ले लीजिए कैल्शियम, 40 होता है एक निकाल देगा, 39 बच जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है वो ड्यूट्रॉन में चेंज हो गया, हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन हमारा ड्यूट्रॉन में चेंज हो गया, ये हो गया हमारा पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन। दूसरा आइटम डालेंगे स्ट्रिपिंग डायरेक्ट रिएक्शन, सेकंड हमारा है स्ट्रिपिंग डायरेक्ट रिएक्शन। इसमें क्या होता है स्ट्रिपिंग डायरेक्ट रिएक्शन में, इसमें लिखेंगे इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इस टाइप के न्यूक्लियर रिएक्शन में द इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ऑन कोलाइडिंग विद टारगेट न्यूक्लियस पार्टिकल ऑन कोलाइडिंग विथ टारगेट न्यूक्लियस। मतलब इस प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्शन में जब कोई भी टारगेट न्यूक्लियस होगा, जब कोई पार्टिकल उससे टकराएगा ये क्या करता है, लूज करता है एक, ये क्या करता था, एक निकाल देता था, ये उसको ऐड करा देगा इमीडिएटली लूजेस वन न्यूक्लियंस, एक न्यूक्लियन, न्यूक्लियंस लिखना उचित नहीं होगा, न्यूक्लियन लिखिएगा, वन न्यूक्लियन आउट फॉर इट, ठीक, न्यूक्लियन टू द टारगेट न्यूक्लियस। इसके मतलब ये है, जिसे फॉर एग्जांपल के लिए देखें, सीयू है कॉपर 2963, इसमें मान लीजिए हम ड्यूट्रॉन का बम्बारिंग करा रहे हैं तो ये हमारा किस में चेंज जाता है, कॉपर 2964 में प्लस में ये हमारा प्रोटॉन में चेंज जाता है। मतलब दोनों में अंतर क्या है, दोनों में केवल एक पॉइंट का अंतर है, ये क्या करता है पिकअप डायरेक्ट रिएक्शन,
डायरेक्ट रिएक्शन इसका नाम क्या पड़ा, डायरेक्ट ही एक निकाल देता है, एक निकाल देता है, एक ऐड कर देता है। दो प्रकार के हैं पिकअप, दूसरा हमारा स्ट्रिपिंग। पिकअप में क्या होता है, एक निकाल देता है, जैसे मान लीजिए 40 है 39 कर देगा, 50 है तो 49 कर देगा, 60 है तो 59 कर देगा, 45 है तो 44 कर देगा, इस प्रकार से। स्ट्रिपिंग में क्या करता है, 45 है तो 46 कर देगा, 63 था 64 कर दिया, एक लूज कर देगा, एक ऐड कर देगा एक प्रकार से। सो इतना फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो होगा हमारा हैवी आयन रिएक्शन। नोट करिए पॉइंट फटाफट से, टेक ए स्क्रीनशॉट। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगला पॉइंट आता है हमारा हैवी आयन रिएक्शन। हैवी आयन रिएक्शन, हैवी आयन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, इसमें कहा जा रहा है इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन द इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज हैवियर देन अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल से हैवी होगा। दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन वॉज फर्स्ट कैरिड बाई बर्कले इन 1950 बाई बम्बार्डिंग कार्बन आयन ऑन एल्यूमिनियम टारगेट। अभी तक आप जानते थे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल से हम टारगेट करवाते थे, या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, बट इसमें से थोड़ा सा अंतर है, हैवी आयन मतलब कोई हैवी एटम यहाँ पर बम्बारी कराई जाएगी। आइए देखते हैं उसके बारे में। इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन लिखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, इस प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्शन में द इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, द इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल इज हैवियर देन अल्फा पार्टिकल, मतलब इसमें जो पार्टिकल लेंगे वो अल्फा पार्टिकल से हैवी होगा। ठीक, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन जब 1919 में खोजा गया था तो अल्फा बीटा गामा और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन खोजे गए थे, बट इसमें और हैवी के बाद जो कि बर्कले ने खोजा था, दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वाज फर्स्ट कैरिड आउट बाई carried out by Berkeley in 1950 by bombarding कहीं कहीं शायद हमने बम्बार्डिंग में बी यू एम बी लिख दिया है, सो आप लोग वहां पर मैनेज कर लीजिएगा, बी ओ एम बी होता है, थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। बाय बम्बार्डिंग कार्बन आयन ऑन एल्यूमिनियम टारगेट। इसके कहने का मतलब क्या है कि यहां पर अल्फा पार्टिकल से बड़ा कोई आयन लेंगे जिसके हम बम्बार्डिंग कराएंगे, जैसे एल्यूमिनियम है 1327। ठीक, इस पर हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा गामा प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बम्बारिंग नहीं कराएंगे, इसे थोड़ा हैवियर एटम की बम्बारिंग कराएंगे जो कि हमारा कार्बन है। इन्होंने बर्कले ने 1950 में इसको करके देखा था और सक्सेसफुली ये सक्सेस हुआ था। तो हमारा किस में बनाएगा, ये बनाता है हमारा पोटेशियम 19 क्योंकि 13, 6, 19 और ये बच जाता है हमारा 30, पोटेशियम का 38 होता है, प्लस में क्या बचा हमारा, देखो 13, 6, 19 हो गया, अब कुछ बचा नहीं, तो मतलब जीरो किस में होता है, न्यूट्रॉन जीरो। इसमें कितना बचा, 37, 27, 10, 37, 37, 2, 29, 1 मिनट 39 38 हो ही गया 1। ठीक, नोट कर लीजिएगा, समझ में बात आ गई, क्लियर है, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं।
ये चीज हुआ। एट्थ पॉइंट क्या हुआ, इसमें देख लो क्या कराया गया, अल्फा पार्टिकल से बड़ा ये कोई पार्टिकल है। शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें, इन शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे एल्यूमिनियम 1327 क्या होगा हमारा इधर पोटेशियम, पोटेशियम 1938 और कार्बन 6, 12 और 0 और 1। अगर हम लिखना चाहें एट्थ पॉइंट, लिखना चाहें क्या लिखना ही पड़ेगा, आठ पॉइंट है तो आठ पॉइंट बताना ही पड़ेगा। क्यों एट्थ पॉइंट है हमारा स्पालेशन रिएक्शन, अजीब अजीब नाम है जी, स्पालेशन रिएक्शन। इसमें क्या कहा जा रहा है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन द इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल ऑन कोलाइडिंग विथ टारगेट न्यूक्लियस स्प्लिट द टारगेट न्यूक्लियस इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई ऑफ स्मॉलर मासेस अलॉन्ग विथ इंजेक्शन ऑफ न्यूक्लियर नंबर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब इसमें क्या कहता है, कोई बड़े न्यूक्लियस को इसमें छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, कोई पार्टिकल नहीं बचता, कोई न्यूक्लियस को ही तोड़ दे रहा है। सोच लो न्यूक्लियस को ही तोड़ दे रहा है छोटे छोटे भागों में, यह है हमारा स्पैलेशन रिएक्शन। इसमें क्या कह रहा है, इन दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन, इस प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्शन में द इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल जो इंसिडेंट प्रोजेक्टाइल पार्टिकल होता है ऑन कोलाइडिंग विथ कोलाइडिंग विथ टारगेट न्यूक्लियस के साथ जब कोलाइड करता है स्प्लिट द टारगेट न्यूक्लियस, टारगेट न्यूक्लियस को क्या कर देता है, स्प्लिट कर देता है। ठीक, अभी तक ये लोग क्या कर रहे थे, जैसे हाथ तोड़ तो रहे थे लेकिन ये बड़े कोई भी न्यूक्लियस को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, मतलब बड़ा सा है उसको अलग अलग दो भागों में खंडित कर देगा। इंटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई, बस ऐसे इतना लिख लो बहुत है। और दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन, ऐसे लिख लो, दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन क्या होता है नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, इसके बाद कंजर्वेशन लॉ आएगा वो भी हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के बारे में भी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे। उसके बाद हमारा आएगा न्यूक्लियर रिएक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक, वो भी शायद हम नेक्स्ट लेक्चर में ही कंप्लीट कर देंगे, नहीं होगा तो हम नया लेक्चर बना देंगे। इसके कहने का मतलब क्या है, जब हम किसी भी बड़े न्यूक्लियाई जैसे यूरेनियम हो गया 235 इस पे हम किसी भी न्यूट्रॉन की बमबारी कराते हैं तो ये हमारा टूट जाता है दो छोटे छोटे भागों में, जैसे हमारा हो गया बेरियम जो कि हमारा है 56 और 141 प्लस में क्रिप्टान जो कि हमारा 36 और 92 में, और प्लस में कोई एनर्जी हमारी रिलीज होगी। भाई टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, टूटेगा तो हमारी एनर्जी रिलीज हो जाएगी, ऐड करेगा एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे इसको हम क्या करें, इसकी बम्बारिंग कराए तो टूट गया तो एनर्जी रिलीज कर दिया, ठीक। क्या किए हमें, इसमें बताया जा रहा है इस टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई बड़ा सा पार्टिकल, जैसे ये यूरेनियम है, इट इज ए यूरेनियम, सब लोग जानते होंगे ना यूरेनियम, ये हमारा बेरियम और ये हमारा क्रिप्टान। तो जब हम इसका न्यूट्रॉन की बमबारी कराए तो ये जो छोटे छोटे भागों में टूट गया बेरियम और क्रिप्टान, यही चीज हमारा कहलाता है न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब विखंडन, टूटना। फ्यूजन क्या होता है, संलयन, मिलना, जुड़ना, एकत्र होना। तो ये सब पॉइंट है, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। मजा आया आज के लेक्चर में, किसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं,
और अभी तक अगर जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर लाइव क्लास की नोटिफिकेशन आपको आधे घंटे पहले मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए हम 9 बजे अगर लाइव आ रहे हैं तो 8:30 बजे आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन, आप आधे घंटे में खा पी करके तैयार हो जाइएगा ना, क्योंकि लेक्चर लंबे होते हैं, आप थक जाओगे देखते देखते, हम पढ़ाते पढ़ाते इधर थक जाते हैं तो आप देखते देखते आसा थक जाओगे, इसलिए खा पी कर आधे घंटे में खूब बढ़िया से खाना, उसके बाद लेक्चर देखना और मौज से जितनी देर तक पढ़ाया जाए अच्छी तरह से देखना। स्प्लिट करके देखोगे तो ये कोई फनी वीडियो नहीं है कि आपको मज़ा आएगा कहीं से भी देख लो, नहीं, शुरुआत से लेकर अंत तक देखोगे, एक एक पॉइंट देखोगे तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज नहीं मज़ा आएगा। नहीं तो फनी वीडियो नहीं है कि शुरुआत में देख लो अंतिम में देख लो फिर भी हाँ हा, मज़ा आ जाता है, वो सब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। शुरुआत से देखो खूब मगन हो जाओगे, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो आपको ना समझ में आए। ट्रस्ट मी, अगर आपको नहीं भी समझ में आता है तो आप फटाफट से टेलीग्राम पे जाकर, ग्रुप है विवेक मिश्रा स्टडी चैनल, इसी चैनल के नाम से आप वहाँ से पूछ सकते हैं, या फिर आपको PDF नोट्स चाहिए तो @unitclasses। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बढ़िया से पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन फटाफट से नोट डाउन कर लिए हैं, और नेक्स्ट जो हमारा होगा वो कंजर्वेशन लॉ और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन पर।